नमस्कार दोस्तों, हम लोग एनबीएस टीजीटी साइंस 2016 का क्वेश्चन पेपर हल कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अब तक कुल 40 प्रश्नों को फुल डिटेल के साथ हल कर लिया है। अब हम इसके आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द एंगल थीटा ऑन ए फेस ए बी ऑफ ए प्रिज्म विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इमर्ज नॉर्मली फ्रॉम इट्स फेस ए सी इफ एंगल ऑफ द प्रिज्म दिया है 5 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। मान लो दोस्तों ये एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, इसके ए बी सरफेस पे, ये ए बी सरफेस है, इस पे कोई रे इंसिडेंस हुई, तो इसके इसके बीच में जो इंसिडेंस एंगल वो दे रहा है इंसिडेंस एंगल थीटा है, और ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म का एंगल ए दे रखा है 5 डिग्री। चूंकि ये रे इससे इंसिडेंस हुई इस पे प्रिज्म पे, तो यहाँ से ये इमर्ज आउट करेगी। चूंकि यहाँ पे हमें इमर्जेंस एंगल नहीं दे रखा है, इसलिए उसे हम 0 ले सकते हैं इमर्जेंस एंगल, और हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का दे रखा है 1.5। चूंकि हम ये फार्मूला जानते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, हम फार्मूला जानते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू इंसिडेंस एंगल प्लस इमर्जेंस एंगल। हम ये दूसरा फार्मूला भी जानते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 into a। तो अब हम इसमें ये फार्मूला पुटअप करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन म्यू माइनस 1 into a प्लस a एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, इमर्जेंस एंगल कुछ नहीं तो 0। अब हम इसमें ए से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू इंटू ए माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू थीटा, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा म्यू इंटू ए। हमें यही थीटा फाइंड आउट करना है, म्यू की वैल्यू हमें पता है 1.5 इंटू प्रिज्म का एंगल है 5 डिग्री, तो ये हो जाएगा 7.5 डिग्री। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 7.5 डिग्री। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है 4 चार्ज प्लस 2 माइक्रोकुलम प्लस 2 माइक्रोकुलम माइनस 2 माइक्रोकुलम माइनस 2 माइक्रोकुलम, ये प्लेस्ड है कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर पे जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। ये पूरी लंबाई कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर की कितनी है ये दे रखा है, ये 10 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ रहा है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये सेंटर है, सेंटर ऑफ द ओ ऑफ स्क्वायर किस साइड डायरेक्टेड होगी। तो थोड़ा सा दोस्तों आप लोग ये समझ लीजिए, मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड निकलती है। इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटवर्ड होती है, आउटवर्ड, और जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, नेगेटिव चार्ज होता है जहाँ पे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, इनवर्ड, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनवर्ड। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, एओ पे जो होगी वो आउटवर्ड होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, और इधर वाला भी पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बीओ की वजह से कैसी होगी, इस पे भी बीओ की वजह से जो होगी आउटवर्ड होगी, इस पे भी आउटवर्ड होगी। अब हम दोस्तों थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अभी हमने बताया पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, मतलब ये इससे दूर जाएगा, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे भी आउटवर्ड है। लेकिन हमने नेगेटिव चार्ज की वजह से बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है, मतलब ये चार्ज की तरफ,
चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आएगी, और ये भी नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इधर आएगी। मतलब जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी ऐसे और ऐसे आएंगी, इधर वाली भी इस तरीके से आएगी दोनों। लेकिन तब अब हमसे पूछ रहा है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये E1 हो गया दोनों की वजह से, ये E2, तो जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के बीच में होगा E नेट। तो E नेट की डायरेक्शन किधर है? O से N की ओर। तो हमसे पूछ रहा है डायरेक्टेड टूवर्ड्स O2N, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है O2N। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है 2 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस है, ये सीरीज में कनेक्टेड है और इनका पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच में कुछ अप्लाई हो रहा है। तो पूछ रहा है 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस के बीच में और 2 माइक्रोफेरेड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा या चार्ज कितना होगा उसके बीच में। अब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये 2 माइक्रोफेरेड का, ये 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस है, सीरीज में कनेक्टेड है, इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई है, 2 माइक्रोफेरेड और ये 4 माइक्रोफेरेड। जब कैपेसिटेंस दोस्तों जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं, तो उनके बीच में चार्ज जो होता है वो बराबर होता है। अगर यही रेजिस्टेंस होता तो अगर सीरीज में कनेक्ट होता तो उनके बीच में करंट बराबर होती। तो ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये बोल रहा है कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड है। अभी हमने बताया जो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं उन पे चार्ज बराबर होता है, तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ, क्योंकि दोनों में चार्ज डिफर कर रहा है। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर लेते हैं, चूंकि हम फार्मूला जानते हैं Q = CV है। अभी हमने बताया ये जो चार्ज है ये जो है सेम है सीरीज की वजह से, तो जो कैपेसिटेंस होगा वो वोल्टेज के इनवर्स होगा। तो मान लो हम वोल्टेज लिखते हैं 4 माइक्रोफेरेड और वोल्टेज जो है 2 माइक्रोफेरेड के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो यहाँ कैपेसिटेंस 4 का और यहाँ 2 का लिखेंगे, 2/4, तो ये हो जाएगा 4 माइक्रोफेरेड के अंतर्गत पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2/4 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 2 माइक्रोफेरेड के अराउंड, तो ये हो जाएगा 4 माइक्रोफेरेड के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस 1/2 इंटू 2 माइक्रोफेरेड के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें बोल रहा है ट्वाइस होगा पोटेंशियल, नहीं अभी हमने बताया हाफ होगा, तो 4 माइक्रोफेरेड के अराउंड जो कैपेसिटेंस होगा वो हाफ होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस के। तो ये इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है, सेकंड ऑप्शन जो है इसका ये करेक्ट है सेकंड ऑप्शन। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है पावर लाइन इंटर कर रहा है बिग हॉल में आफ्टर पासिंग थ्रू 5 एम्पियर फ्यूज इन दिस हॉल, बल्ब रेटेड एस 10 वॉट 220 वॉट, और अगर सप्लाई दे रहा है 220 वॉट का, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब दैट कैन बी यूज साइमल्टेनियसली इन दिस हॉल। चूंकि करंट हमको दे रहा है 5 एम्पियर की, तो हम पहले जान जाते हैं इसमें नेट पावर कितनी सप्लाई हो रही। नेट पावर P = VI 220 वोल्ट इंटू एम्पियर 5 है, तो ये हो जाएगा इतने वॉट की नेट पावर, और जो पावर सप्लाई हो रही है वो भी कितनी है 220 वॉट। तो हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ बल्ब की संख्या, ये फार्मूला होता है PNET = N x पावर। अभी हमने PNET निकाला और N पावर की वैल्यू हमें पता है, पावर है जो बल्ब रेटेड है वो 10 वॉट से, तो नंबर ऑफ बल्ब कितने हो जाएंगे 110, इतने बल्ब आप यूज कर सकोगे, तो इसका ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है 110। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ करता है करंट 0.05 एम्पियर का फ्रॉम द सोर्स 200 वोल्ट
सोर्स से पावर ऑफ द बल्ब एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलामेंट इन 5 मिनट रेस्पेक्टिवली। तो पावर पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हमसे पूछ रहा है। चूंकि हम जानते हैं P बराबर बी आई होता है, बी आई हमें वोल्टेज पता है 200 और करंट की वैल्यू है 0.05 एम्पियर, तो ये आ जाएगा 10 वाट। पावर कितना आ जाएगा? 10 वाट। तो ये आंसर हो सकता है 1 और 3 में से कोई। अब हम इसकी संख्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई बराबर होता है क्यू बाई टी। अब सभी लोग जानते होंगे क्यू इज इक्वल टू एनी, तो अब हम इसको पुट करेंगे क्यू बराबर आई टी। अभी हमने बताया क्यू बराबर एनी इंटू आई टी, तो एन बराबर हो जाएगा आई इंटू टी अपॉन ई। तो आई की वैल्यू 0.05 है और ये टी है 5 मिनट। 5 मिनट चूंकि एसआई यूनिट में इसको कन्वर्ट करेंगे, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ई की वैल्यू होती है, ये इलेक्ट्रॉन की है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बोल रहा है, 1.6 × 10⁻¹⁹। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 9 × 10⁻¹⁹। यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 10 वॉट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻¹⁹। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द कॉलम ऑफ फर्स्ट विद एप्रोप्रिएट वन फ्रॉम द कॉलम सेकंड। पहला है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं एम्पियर राइट हैंड थंब रूल। बी है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम फाइंड आउट करते हैं फैराडे लॉ से। तीसरा है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ए कॉयल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, से फाइंड आउट करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। टू फाइंड द अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन ए रेजिस्टर ऑन द पासिंग करंट थ्रू इट्स, इसे हम फाइंड आउट करते हैं जूल लॉ से। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है देयर इज इनफाइनाइट सोर्स ऑफ द फॉसिल फ्यूल इन द अर्थ, तो ये रॉन्ग है क्योंकि पेट्रोल डीजल ये सब जो हम यूज करते हैं इनका इनफाइनाइट स्टोरेज नहीं है। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं देयर इज नो प्रॉब्लम इन हार्डनिंग न्यूक्लियर एनर्जी एज सेफ डिस्पोजल ऑफ द स्पेंट फ्यूल इज वेरी इजी, तो ये भी रॉन्ग है। न्यूक्लियर एनर्जी का सेफ डिस्पोजल इजी नहीं है, इसमें प्रॉब्लम आती है। अब हम अपने सी ऑप्शन पे आते हैं हाइड्रो एंड विंड एनर्जी प्लांट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ द एनर्जी, तो ये सही है। चौथा ऑप्शन है सन में कंसीडर्ड एज इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ द एनर्जी, तो ये भी सही है। सन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो इसमें सी और डी ऑप्शन करेक्ट है, सी और डी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए प्योर इंडक्टर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, तो पूछ रहा है करंट क्या होगा। चूंकि हम जानते हैं इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री आगे होता है करंट से, मतलब वोल्टेज जो होता है वो करंट को लीड करता है, आगे होता है। मान लो ये इंडक्टर है, ये करंट है, तो ये जो वोल्टेज है ये 90 डिग्री को लीड करता है इंडक्टर में। 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू 90 डिग्री या पाई बाई टू। अब अभी हमने बताया कि जो इंडक्टर होता है इंडक्टर में वोल्टेज करंट से आगे होता है। हम ये या तो कह सकते हैं या ये कह सकते हैं करंट जो होता है वो लैग करता है वोल्टेज को, करंट जो होता है वो लैग करता है वोल्टेज को,
ये भी सही है। अब हम एक बेब पे आते हैं, वन साइकिल। अब बेब कितनी होती है? तो ये एक साइकिल है बेब की। एक साइकिल पूरा करने में ये कितना 360 डिग्री या 2 पाई कवर करता है? अगर हम हाफ पे पूछे, हाफ पे कितना होगा? अगर ये पूरा 360 है तो हाफ पे होगा 180 डिग्री या पाई। चूंकि अभी हमने बताया इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है 90 डिग्री आगे होता है या पाई बाई टू से ये लीड करता है, तो करंट क्या करेगा? पाई बाई टू से लैग करेगा। तो ये जो है इतना 180 है, तो ये वाली वैल्यू जो होगी ये होगी 90, ये वाली होगी 90, 90 डिग्री या पाई बाई टू। तो ये पूरी साइकिल एक बेब बनाती है। तो ये जो करंट होगा, अब हम ऑप्शन पे आते हैं, करंट लीड करेगा या लैग करेगा? लीड तो नहीं करेगा, अभी हमने बताया करंट लैग करता है वोल्टेज को। फर्स्ट एंड थर्ड चेक करते हैं, करंट लैग द वोल्टेज बाय 1/4 ऑफ द साइकिल। तो आप लोग देख रहे होंगे ये लैग कर रहा है, चूंकि ये पूरी एक साइकिल है तो ये इसका कितना हुआ 1/4, ये इतना पोर्शन इसका 1/4 साइकिल को लैग करेगा। करंट लैग द वोल्टेज बाय 1/4 ऑफ द साइकिल। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यूनिसेलुलर यूकैरियोट, इसकी जो सेल वॉल है वो एम्बेडेड है सिलिका में, और इसकी सेल वॉल के पास दो ओवरलैपिंग सेल है, ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक है। तो ये पूछ रहा है किस ग्रुप में बिलोंग करेगा? चूंकि यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर है ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, और इसकी सेल वॉल में क्या है? सिलिका। और दोनों सेल वॉल ओवरलैपिंग है, ऑर्गेनिज्म भी है फोटोसिंथेटिक। तो ये बिलोंग किससे करेगा? ये ऑर्गेनिज्म क्या होगा? डायटम्स। और हम सभी जानते हैं डायटम जो बिलोंग करता है ग्रुप क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट ग्रुप के अंतर्गत डायटम्स आता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है फ्लोएम पैरेन्काइमा जनरली अब्सेंट इन, जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है वो जनरली अब्सेंट होता है मोनोकॉट प्लांट में, मोनोकॉट में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाई जाती। अब हम इसमें देखते हैं कौन सा मोनोकॉट का एग्जाम्पल है। तो हम सभी जानते हैं वीट राई, ये सब मोनोकॉट के एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने अपने 10 क्वेश्चन फिजिक्स के सॉल्व किए हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।